अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। क्या है तरीका, ये जानने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ में घंटी का निशान आएगा, इसे लाजमी दबा लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम नई वीडियो बनाएंगे वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और जान लेते हैं कि कैसे आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा गूगल क्रोम, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा remove.bg। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं remove.bg मैंने टाइप किया और उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपने उस इमेज को उठा लेना है जिस इमेज का बैकग्राउंड आप बदलना चाहते हैं। तो सिंपल आपने अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं भी इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक इमेज उठा लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरे मोबाइल की गैलरी ओपन हो गई है। अब यहाँ से मैं इस इमेज को उठा लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस इमेज को उठाया तो ये इमेज अपलोड होना शुरू हो गई है और ये अपलोड हो चुकी है और इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो बैकग्राउंड मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आगे की तरफ करके। तो जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे सिंपल आपने उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना। लाइक मैं इस वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कि मेरी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो पहले वाला जो है वो ख़त्म हो गया है और अब नया लग चुका है। तो बहुत ही आसान तरीका था, आप बड़ी आसानी के साथ अपनी इमेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको एरो का निशान मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मैं हूँ वलीद, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।